Hello student, welcome to Learn It, India's online learning platform. My name is Mayank Nema and we are going to continue chemical bonding molecular structure topic. इससे पहले मैंने दो लेक्चर और बनाए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर और ये मेरा थर्ड लेक्चर है और आज हम बात करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज उसका नाम है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये थ्योरी ने ये बताया कि जो केमिकल बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसका फॉर्मेशन होता कैसे है। इसके पहले हमने दूसरी थ्योरीज भी जो देखी थी, BBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें भी यही बात थी कि इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी इसी बात को बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसा है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी हम कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, कोई कोवेलेंट बॉन्ड यदि बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वन कोवेलेंट बॉन्ड है, वन बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसी बॉन्ड फॉर्मेशन को मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि जिस तरीके से एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और उस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फिगरेशन आपको पता है 1s1 होता है, और इसके ऑर्बिटल को मैसेज शो करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैसेज रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, और इसके पास भी सेम वैसी ही बात है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन अ सिमिलर वे मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल और उसके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये दो वैरायटी के होते हैं, यदि हम इसको वैरायटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है जिसको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और सेकेंड टाइप का जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये इसके नाम होते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल दो वेराइटी के हैं, एक है बॉन्डिंग एक है एंटी बॉन्डिंग। और यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। जैसे कि कोई एटम्स है, हमने एटम को लिया और उस एटम के अंदर हमको नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नजर आ रहा है 2। एटॉमिक ऑर्बिटल का यदि मान लो नंबर हम मुझे दिखाई पड़ता है 2, तो हम ये बोलेंगे कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो बनेंगे उनका नंबर भी होगा 2। एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटेड इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, उसमें से आधे बॉन्डिंग कहलाते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे 2 है तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी 2 ही बन रहे हैं, इसमें से आधे, मतलब आधे का मतलब एक, इसमें से बॉन्डिंग होगा एक और एक को हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और उसके पास आपको टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 6 कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 6 बनेंगे, उसमें से आधे मतलब 3 बॉन्डिंग बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ये जो 3 लिखा हुआ है दिस इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, आधे और बनेंगे बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हमें ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके हम डायग्राम कैसे बनाते हैं और ये थ्योरी हम अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा हाउ टू ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये डायग्राम के हिसाब से हम मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर H2, मैं H2 को लेता हूँ, तो देखिए हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन इसका पता है आपको 1s1 है, इसके पास 1s1, इसके पास भी 1s1, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज वन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये इस एटम का है और ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इस एटम का है, तो ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और इन कॉम्बिनेशन की वजह से एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है बॉन्डिंग, जिसको मैं नीचे की तरफ शो कर रहा हूँ,
और एक अटोमिक ऑर्बिटल बनता है जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, जिसको मैं ऊपर की तरफ शो करता हूँ। आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम को मैंने बनाया हुआ है और ये एनर्जी का बढ़ता हुआ सिक्वेंस, यहाँ पर लिखते हैं 1s1, यहाँ हम लिखते हैं 1s1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम। जो मैं नीचे बनाता हूँ इसको मैं कहूंगा बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसका नाम है दिस इज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसको हम शॉर्ट में शो भी करते हैं, देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर स्टार साइन का इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये जो मैंने डायग्राम निकाला हुआ है इसमें मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल को शो किया, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे तो 2 नजर आते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फिलअप हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 2 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है ये डायग्राम हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कहलाता है, जो H2 मॉलिक्यूल का है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करना है, इधर और इधर आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमको नजर आ रहे हैं उसको पहले काउंट कर लें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2, और उन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर की तरफ फिलअप करना है। तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 नजर आ रहे हैं, एक इस तरफ लेफ्ट में एक राइट में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भर दूंगा क्योंकि एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। मान लीजिए मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप करना होता तो फिर हम क्या करते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन हम ऊपर की तरफ फिलअप करते हैं, क्योंकि फिर एक लिमिट आ जाती है, ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 2 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो सामने आपके डायग्राम दिख रहा है दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, और ये किसका है, H2 का है। और यहाँ पर हम एक निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ब्रैकेट में NB माइनस NA। NB का मतलब होता है दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और NA का मतलब होता है दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग का मतलब नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मतलब ये नीचे वाला, एंटी बॉन्डिंग मतलब ये वाला। तो यदि हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो डायग्राम को देखिए, डायग्राम में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो नजर आ रहा है वो 2 है, तो आपने 2 लिखा। एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये 2 - 0, इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 1। और 1 का मतलब ये होता है कि 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जितना भी आता है उसका मतलब होता है कि 2 एटम्स उतने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, दोनों एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यदि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आ गया 3, इसका मतलब हो गया कि 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जो होता है वो पॉइंट में भी आता है, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा भी। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हीलियम 2 मॉलिक्यूल, ये आपको मालूम है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस होती है, तो हीलियम हीलियम के आइटम आपस में कंबाइन नहीं करते। और इसी थ्योरी ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि हीलियम 2 का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होता, इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। देखिए कैसे, मैं हीलियम यहाँ लिखता हूँ, हीलियम यहाँ लिखता हूँ, 2 हीलियम है मेरे पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होता है वो एस में फिलअप होता है। अब मैं इसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालूंगा, तो ये देखिए मैंने बनाया एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ बनाया मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर मुझे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल दिख गए। अभी आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में कंबाइन करने के बाद ये बनाएंगे बॉन्डिंग और एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो नीचे मैंने बनाया हुआ है ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, और जो ऊपर बनाया हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1s2, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1s2। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन, 1, 2, यहाँ पर फिलअप करें 1, 2, और ये हो गया सिग्मा 1s, इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, और ये होता है एनर्जी का बढ़ता हुआ सिक्वेंस, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना चाहता हूँ, तो पहले कैसे कैसे देखेंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो दोनों को मिलाएं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 4,
तुम्हें मुझे फोर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन देखिए, इस तरफ इलेक्ट्रॉन देखिए और दोनों इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दीजिए, टू प्लस टू मतलब फोर, एंड फिल द फोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को जब भी हम फिलअप करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ फिलअप करेंगे, तो एक दो, अब इसकी लिमिट तो खत्म होगी क्योंकि एक ऑर्बिटल के पास ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये तीन और ये चार। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, दिस इज अ डायग्राम फॉर हीलियम टू मॉलिक्यूल। अब यदि मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ, इफ आई कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस मॉलिक्यूल, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एन बी का मतलब कितना हो गया, दो। नीचे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं, ऊपर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस से दो हैं, तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आएगा जीरो। जीरो का मतलब ये हो गया कि दो हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है। मैंने क्या बताया कि यदि इस बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू वन आता है तो इसका मतलब होता है दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है। यदि इस बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू टू आता है, इसका मतलब होता है एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। यदि इस बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जीरो आता है, इसका मतलब होता है देयर इज नो बॉन्ड, बॉन्ड डजंट एग्जिस्ट। तो इसी तरीके से हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि सिंस बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जीरो है, इट मीन्स बॉन्ड डजंट एग्जिस्ट बिटवीन टू हीलियम एटम्स। तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस कारण से ही तो हम कहते हैं कि दो हीलियम के बीच में कुछ भी बॉन्ड नहीं होता और नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और इसी वजह से हम ये बोलेंगे कि हीलियम टू का कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर से नंबर ऑफ बॉन्ड का प्रेडिक्शन किया जाता है। अब जैसे हम ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बी टू, इसको समझते हैं। अब बी में क्या होता है, पी ऑर्बिटल भी आ जाता है, तो इसके डायग्राम को पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2 3, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 3, और हम इसको कैसे लिखते हैं, दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2p1, यहाँ लिखते हैं 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे ऑर्बिटल जो बनाने हैं वो 1s बनाना है, एक बार 2s बनाना है, एक बार मुझे 2p बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम शुरुआत जो करते हैं वो 1s से करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो ऑर्डर है दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो हो रही है वो इस सीक्वेंस में बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम 1s को ही लेते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ लिखा मैंने 1s, यहाँ लिखा मैंने 1s, ये आपस में ओवरलैप करेंगे या आपस में मिक्स होंगे और ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे। तो देखिए ये हो गया बॉन्डिंग, नीचे जो बनाया हुआ है इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पर देखो 1s2, यहाँ देखिए 1s2, इसको कहा जाएगा सिग्मा 1s, इसको कहा जाएगा सिग्मा स्टार 1s। मैं पहले ऑर्बिटल पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करूँगा। अब देखिए ये मेरे पास 2s है, दिस इज 2s, दिस इज 2s, और ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये बनाएगा बॉन्डिंग नीचे की तरफ और ये बनाएगा एंटी बॉन्डिंग ऊपर की तरफ। ये हो गया 2s2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2s2, इसका नाम है सिग्मा 2s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 2s। अब मैं पी पर आता हूँ, देखिए ये हो गया पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो तीन होते हैं। ये पी ऑर्बिटल मैंने बनाया हुआ है, देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से यहाँ पर मैं पी ऑर्बिटल निकालता हूँ, पी ऑर्बिटल तीन होते हैं जिसको हम xyz बोलते हैं। अब यहाँ पर से ओवरलैप करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू बी कम्बाइंड इक्वल टू 6, तीन इस तरफ है, तीन इस तरफ है। तो मैंने जैसा कि बताया कि आधे जो होते हैं वो होते हैं बॉन्डिंग, तो नीचे की तरफ आ जाएंगे 3, जिसको मैं कहूँगा बॉन्डिंग, और ऊपर की तरफ आ जाएंगे 3। तो ये देखिए नीचे मैंने बनाया हुआ है और इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है, और ऊपर में बनाता हूँ जिसको मैं कहूँगा एंटी बॉन्डिंग। ये जो मैं बना रहा हूँ इसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। ये पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किया है। इसके पास 2p1 है, इसके पास 2p1 है, और इन ऑर्बिटल्स का मुझे नाम यदि देना है तो मैं दूंगा पाए 2px, इसका नाम है पाए 2py, इसका नाम है सिग्मा 2pz, इसको हम कहते हैं पाए स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार साइन से इंडिकेट करते हैं। तो पाए स्टार 2px, इसको हम कहते हैं पाए स्टार 2py, और इसका नाम होता है सिग्मा स्टार 2pz। तो दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम फॉर b2, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना बाकी, तो फिलअप करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फिलअप करें, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं 1s में, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं 1s में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। तो मुझे इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, नीचे से ऊपर की तरफ फिलअप करेंगे, तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करें, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं,
दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू फोर, तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार। यदि हम इसमें देखें p के पास एक इलेक्ट्रॉन है, p के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं टू। एक इधर काउंट करिए इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को, दोनों को प्लस कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप करो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप करो, क्योंकि ये एक ही लेवल पर है। जब भी कोई एक ही लेवल पे होते हैं ऑर्बिटल, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कैसे करते हैं, वन बाय वन, पहले एक फिर दूसरा। मान लीजिए मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना होते तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ फिलअप करता वापस से, फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिलअप करता, क्योंकि ये एक ही लेवल पर है। एक ही लेवल पे होंगे तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, एक एक करके जो ऑर्बिटल्स हैं। और यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे तो वापस से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो ये पूरा डायग्राम मेरे पास है, और ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बी टू। और मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है एन बी माइनस एन ए। अब एन बी का वैल्यू कितना हो गया, एन बी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबको देख लीजिए, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, नीचे नीचे जितने भी सभी देख लीजिए, क्योंकि जो भी नीचे बना है वो सारे के सारे बॉन्डिंग है। तो टू 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 मतलब सिक्स, माइनस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन दो, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन दो, तो ये हो गया फोर। सॉल्व करें, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा टू मतलब वन। तो इसका मतलब होता है बोरॉन बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस होता है। तो ऐसे डायग्राम हम बी टू के, सी टू के, एन टू के, ओ टू के कई सारे डायग्राम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक पॉइंट आपको बताना है कि डायग्राम जो होता है वो दो कैटेगरी के होते हैं। जो पी ऑर्बिटल है, जैसे मैं अभी डायग्राम मैंने बनाया जो बी टू का था, सी टू का था, एन टू का था, यदि हम इसके डायग्राम को देखें और डायग्राम हम ओ टू का देखें, एफ टू का देखें, तो ये दोनों, ये दो दोनों जो होते हैं और ये जो तीनों होते हैं, इनके डायग्राम में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैं आपको पहले ओ टू के डायग्राम से समझाता हूँ, फिर मैं दोनों को, पहले ओ टू को समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं दोनों के बीच में डिफरेंस ही बताऊँगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर एट हो गया, इसका एटॉमिक नंबर एट हो गया, ये हो गया टू सिक्स, इसका भी हो गया टू कॉमा सिक्स, और मुझे पी इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल बनाता हूँ मैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में भरूंगा फोर को। क्या आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p4, तो p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा p ऑर्बिटल, यहाँ बनाऊंगा मैं p ऑर्बिटल, और यहाँ से मैं बना दूंगा नीचे की तरफ बॉन्डिंग, और यहाँ बनाऊंगा मैं एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है। नीचे जो बना है वो सारे बॉन्डिंग होते हैं, और ऊपर जो बना है उसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये डायग्राम जो है ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, मैं अब ऑक्सीजन का एस ऑर्बिटल निकालता हूँ, ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये एस ऑर्बिटल हो गया, नीचे की तरफ बॉन्डिंग और ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग। अब मैं वन एस को बताता हूँ, ये हो गया वन एस, ये हो गया वन एस, नीचे की तरफ बॉन्डिंग और ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग। नाम वही है, नाम में कोई फर्क नहीं है, और ये एनर्जी का बढ़ता हुआ सीक्वेंस है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। नाम लिख लेते हैं चले, दिस इज 1s2, दिस इज 1s2, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, दिस इज 2s2, दिस इज 2s2, दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद यहाँ पर 2p4 है, यहाँ पर 2p4 है, इसको मैं कहूँगा सिग्मा 2pz, इसको मैं कहूँगा पाई 2px, पाई 2py, इसको मैं कहूँगा पाई स्टार 2px, दिस इज पाई स्टार 2py, और इसको मैं कहूँगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ये x हो गया। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर देते हैं, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोर, तो एक दो तीन चार, ये इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दें। एस में इलेक्ट्रॉन भरें तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोर, तो यहाँ पे फोर भर दो। अब यहाँ पर 2p4 मतलब एक दो तीन चार, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यदि एक ही लेवल पे होते हैं तो हमेशा पहले हम एक एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहे तो फिर वापस से हम उस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। अब 2p4 है तो देखो कैसे फिलअप होंगे, एक ये रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, ये चौथा हो गया। अब हम यहाँ के और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मिला रहे हैं, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे चार, इस तरफ आपको मिलेंगे चार, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एट। तो एट इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4, क्योंकि एक ही लेवल पर है तो हम एक एक करके भरते हैं, बाद में वापस से आते हैं, 5 6 7 8,
इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया है, और यदि हम इसका निकालें बॉन्ड ऑर्डर, सो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एन बी माइनस एन ए और हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो नीचे देखिए 2 4 6 मतलब 10, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग देखिए तो 2 4 6 जितने भी ऊपर है सबको देख लीजिए, ये ऊपर है ना, देखिए। और यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 2, और 2 आना भी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डायग्राम निकालते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ एक कंपैरिजन। देखिए जो मैंने डायग्राम आपको बताया B2 का, और अभी डायग्राम बताया मैंने O2 का, एक्चुअल में दो तरीके के डायग्राम बनते हैं, दो वेराइटी के डायग्राम बनते हैं, एक B2C2N2 और एक O2F2। आप एक ध्यान से देखें, जब मैंने इसका पी ऑर्बिटल निकाला था तो मैंने क्या किया था, जो नीचे की तरफ मैंने पाई टू पी वाई बनाया हुआ है, मैं केवल पी पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एस तो एक जैसे है, एस में कोई बात नहीं है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ और इसका नाम है पाई टू पी वाई, इट इज सिग्मा टू पी जेड, इसका नाम है पाई स्टार टू पी वाई और इसका नाम है सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब इसमें डायग्राम पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम क्या है, ये हो गया पी ऑर्बिटल और ये हो गया पी ऑर्बिटल, और यहाँ पर मैंने जो बनाया था वो बनाया था सिग्मा टू पी जेड, यहाँ पर बनाया था मैंने पाई टू पी वाई, ये बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग को मैंने इस तरीके से शो किया हुआ है, और नाम वही है, नाम में कोई चेंज नहीं है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा टू पी जेड, इसको हम बोलते हैं पाई टू पी एक्स, दिस इज पाई टू पी वाई, इसको हम बोलेंगे पाई स्टार टू पी एक्स, इट इज पाई स्टार टू पी वाई, और इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार टू पी सेट। नाउ कंपेयर देम, देखिए यहाँ पर आप यदि इस रीजन को देखते हैं नीचे वाले को, केवल बॉन्डिंग को देखें, एंटी बॉन्डिंग को ना देखें, एंटी बॉन्डिंग में तो सेम है, लेकिन बॉन्डिंग में आप देखेंगे तो इसके नीचे की तरफ ये दोनों बने हुए हैं और इसके ऊपर की तरफ ये दोनों बने। इस एरिया को आप यदि गौर से देखें तो इन डायग्राम में फर्क होता है, और ये डायग्राम इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर एक रूल काम करता है जिसको हम बोलते हैं 14 इलेक्ट्रॉन रूल। ये रूल ये कहता है कि जिन किसी मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 14 से कम होते हैं उनका डायग्राम आप इस तरीके से बनाइए, और जिन किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हैं तो आप ये डायग्राम बनाइए। जैसे B2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं क्योंकि एक B के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2B हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। यदि हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 8 है। O2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है और F2 के पास बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है। तो अभी देखिए ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये 14 से ज़्यादा है, जिनके पास 14 से इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन या फिर इक्वल टू 14, तो हमको ये वाला डायग्राम बनाना है, और जिनके पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, तो हमको जो डायग्राम बनाना है वो इस तरीके का बनाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन लर्न करना है तो लर्न इट बाय यू। ओके, थैंक यू।